नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में पीएम मोदी ने आइकॉनिक वीक का किया उद्घाटन, जन समर्थन पोर्टल की भी शुरुआत। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 6 से 11 जून तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक का आयोजन कर रहा है। तो दोस्तों, इस दौरान कॉरपोरेट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का प्रत्येक विभाग अपने अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के साथ साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्परता का प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जन समर्थन पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। यह अपने आप में एक पहला ऐसा पोर्टल होगा जो लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। तो दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य सभी योजनाओं को एक मंच पर लाकर उसका लाभ नागरिकों को देकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान बनाना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सपा ने रामपुर से आजम खान की पत्नी को दिया टिकट, आजमगढ़ में डिंपल की जगह इन्हें उतारा। तो दोस्तों, पार्टी ने रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। तो दोस्तों, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार तय हो गए हैं। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर से टिकट दे दिया गया है। बता दें कि आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर सपा को जीत मिली थी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सपा को आजमगढ़ और रामपुर में हारने का डर है। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा मुसलमान सपा से दूर जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों, रामपुर सीट की बात करें तो सपा ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना वायरस के नए मामलों ने फिर बढ़ाई टेंशन, लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा केस आए सामने। तो दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है और लगातार दूसरे दिन देश में 4200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, देशभर में 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 4518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान महामारी से 9 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। तो दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के 4518 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,81,335 हो गई है, जबकि महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,701 पहुंच गई है। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 2,779 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 4,26,30,852 के पार हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आईटी शेयरों ने बदली बाजार की चाल, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में। तो दोस्तों, ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत के बीच आज भारतीय शेयर बाजार फिर लाल निशान के साथ खुले हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही शेयर बाजार 300 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ खुले हैं। तो दोस्तों, सेंसेक्स 209.52 अंक गिरकर 55,559 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 122.35 अंक गिरकर 16,461 पर कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, इससे पहले बीते कारोबारी सत्र के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को BSE का सेंसेक्स 49 अंक की गिरावट के साथ 55,769 के स्तर पर और NSE का निफ्टी 44 अंक फिसलकर 16,584 के स्तर पर बंद हुआ था। तो दोस्तों, वैश्विक बाजार में भी गिरावट का माहौल है। इंटरनेशनल मार्केट में SGX निफ्टी करीब 100 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा डाउ जोन्स 300 अंक फिसलकर बंद हुआ, वही नैस्डैक में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गर्मी से अभी राहत नहीं, जमकर तपेंगे MP समेत ये राज्य, यहाँ बारिश के आसार। तो दोस्तों, देश में कुछ समय की राहत के बाद एक बार फिर गर्मी का दौर लौट रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी और
मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों में लू की स्थिति बन सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, दक्षिण प्रायद्वीप में मंगलवार से बारिश से जुड़ी गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, IMD की तरफ जारी विज्ञप्ति के अनुसार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान असम और मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी से अति भारी बारिश के आसार है। तो दोस्तों, विभाग ने बताया है कि राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज लू की स्थिति बन सकती है। वहीं दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंतरिक ओडिशा में 2 दिनों तक लू के आसार रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कानपुर हिंसा, 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अब तक 38 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। तो दोस्तों, कानपुर हिंसा के मामले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार हिंसा के दौरान पथराव ऊंची इमारतों से हुआ था। नई सड़क और आसपास बनी अवैध रूप से ऊंची इमारत सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कानपुर विकास प्राधिकरण को जांच कराकर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। इसी बीच कानपुर हिंसा में शामिल 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में से पुलिस की तरफ से दर्ज कराई FIR में नामजद व अज्ञात आरोपी भी शामिल है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने 4 SIT टीमों का गठन किया था। एक टीम को मुकदमे की विवेचना करने की जिम्मेदारी मिली है और दूसरी टीम CCTV फुटेज चेक कर रही है और तीसरी टीम को पेट्रोल पंप की जांच की जिम्मेदारी मिली है और चौथी टीम SIT टीम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तराखंड में बस हादसा, MP के 26 तीर्थयात्री की मौत। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों की एक बस उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खाई में गिर गई है। ये लोग चार धाम की यात्रा के लिए निकले थे। तो दोस्तों, बस में 28 तीर्थयात्री, ड्राइवर और हेल्पर सवार थे। शुरुआत में खबर आई थी कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, धीरे धीरे ये संख्या 26 हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 28 तीर्थयात्री को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। उन्होंने हरिद्वार से यह बस ली थी। रास्ते में दमटा के पास एक पेड़ से टकराई और उसने तोड़ते हुए करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। रेस्क्यू के लिए पहले SDRF और बाद में NDRF की टीम भी पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गेहूं की कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी उछाल, भारत यूक्रेन बड़ी वजह। तो दोस्तों, भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद वहां उत्पादन घटाने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमत में उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने यह जानकारी दी है। तो दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार कई प्रमुख निर्यातक देशों में फसल की स्थिति को लेकर चिंता और युद्ध के कारण यूक्रेन में उत्पादन कम होने की आशंका के बीच भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के कारण गेहूं की कीमत तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में लगातार 4th महीने मई में 5.6% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के मूल्य से औसतन 56.2% अधिक है और मार्च 2008 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से केवल 11% कम थी। तो दोस्तों, इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की कीमतों में मई में 2.1% की गिरावट आई, लेकिन कीमतें एक साल पहले उनके मूल्य की तुलना में 18.1% अधिक रही। तो दोस्तों, मतलब यह हुआ कि भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के उपायों के तहत 13 मई 2022 को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में सुबह सुबह ED का बड़ा एक्शन, मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी। तो दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर सोमवार की सुबह सुबह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। तो दोस्तों, ईडी के सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम सत्येंद्र जैन के आवास और कई अन्य लोकेशन पर भी छापेमारी कर रही है। तो दोस्तों, सूत्रों ने कहा है कि 9 जून तक ईडी की हिरासत में बंद सत्येंद्र जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला
लेनदेन के सिलसिले में यह छापेमारी की है। ईडी की टीम अभी सत्येंद्र जैन के आवास के भीतर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, दिल्ली में काफी चर्चित ज्वेलर्स राम प्रसाद ज्वेलर की यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन से जुड़े साउथ ईस्ट दिल्ली में राम प्रकाश ज्वेलर के लोकेशन पर भी छापेमारी की जा रही है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।